हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है टेक्स वेबसाइट सिविल इंजीनियर यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज लेकर आया हूं आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट खास टॉपिक, सिलम टेस्ट ऑफ ए कंक्रीट। एक कंक्रीट का सिलम टेस्ट कैसे करते हैं, व्हाट प्रोसेस, इसकी एक अच्छे से और ज़बरदस्त तरीके की प्रोसेस क्या है। ठीक है दोस्तों, देखो सिलम टेस्ट तो कोई भी कर लेता है, लेकिन उसका एक अच्छा और प्रॉपर तरीके से फार्मूला पता होना चाहिए कि कब हमें क्या करना है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा सिलम कौन होता है, उसका साइज क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जो आपको सामने नजर आ रहा है क्या है, सिलम कौन है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कितने लेयर में फिल करते हैं, चार लेयर में। कितने लेयर में फिल करते हैं, चार लेयर में। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको चार लेयर बना देता हूँ। प्रत्येक लेयर हमारे कितने की होगी, 75 mm होगी ये अपनी, ये 75 mm होगी। ठीक है दोस्तों, कितने होगी पर लेयर अपनी, 75 mm की। ऐसे इस तरीके से 75 mm। देखिए इसका जो बॉटम का जो साइज होता है दोस्तों, बॉटम का साइज होता है अपना 200 mm। कितना होता है, 200 mm। टॉप का जो इसका साइज होता है वो कितना होता है, 100 mm। इसकी जो दोस्तों हाइट होती है, हाइट कितनी होती है, हाइट होती है आपकी 300 mm। ठीक है दोस्तों, ये अपना कौन है। इसके नीचे एक बेस होता है, इसकी जो प्लेट होता है जिस पर हम कौन को रखते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, बेस पर रखते हैं इसको। इसमें आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। देखिए सबसे पहले ये जो कौन है आपका, ये बिल्कुल एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, इसमें धूल के बारीकन कोई नहीं लगा होना चाहिए। इसकी जो अंदर की सतह है, इस पर हल्की ग्रीस या इस पर सेटिंग ऑयल वगैरह, तेल वगैरह थोड़ा सा लगा देते हैं, ताकि इस पर आप जब सिलम टेस्ट करो और कॉन को आप ऊपर की तरफ उठाएं तो इसमें रोड ना चिपके। ठीक है दोस्तों, ये आपके खास चीज़ ध्यान रखना। देखिए सबसे पहले आपको फर्स्ट लेयर में जब भरना है आपको, तो 75 mm 3 इंच भरना आपको, सबसे पहले 75 mm 3 इंच। चार लेयर में आपका सिलम टेस्ट भरता है, या आप किसी से भी पूछ लेना। आप यदि साइड इंजीनियर हो या साइड पर आप काम करते हो, आपकी थ्योरी में भी आप देख लेना, इसके 4 लेयर्स भरते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले 75 mm भरने के बाद इसमें हम 35 स्ट्रोक लगाएंगे। 35 स्ट्रोक, देखिए ऊपर से एक रॉड होती है, ये क्या है, एक रॉड है, ये क्या, एक रॉड है, इसको हम रॉड कह देते हैं। कितने mm की होती है, 16 mm। ठीक है दोस्तों, 16 mm के रॉड से हम इसमें 35 कितने स्ट्रोक लगाते हैं, 35 स्ट्रोक। हमें 35 बार इसको पुश करना रोड को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका पहले लेयर भर गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको जब सेकेंड लेयर भरनी है 75 mm 3 इंची इस तरीके से, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो आप रॉड जो स्ट्रोक लगाते हैं, 35 नंबर से 35 नंबर जो स्ट्रोक लगाते हैं, ये रॉड बॉटम तक ना जाए, इस रॉड में इंक्लूड यहाँ बॉटम तक ये टच ना हो। ठीक है दोस्तों, आप ये सेकंड लेयर आप फिल कर रहे हो तो सेकंड लेयर तक ही यहाँ रॉड लगा दी आपने, इधर लगा दी, तो मतलब नीचे तक नहीं टच होनी चाहिए। तो इसमें नीचे तक यदि आप टच करते हो तो रोडी एक जगह इकट्ठा होने का डर रहता है, जिसको हम सेग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको खास ध्यान रखना है। इसी तरीके से आपको ये वाली लेयर भरनी है। ठीक है दोस्तों, आपको चारों लेयर ऐसे ही फिल करनी है। इसका जो टोटल जो अपना टाइम होता है सिलम टेस्ट जो करने का, जो टाइम होता है दोस्तों, वो अपना 2 मिनट से 3 मिनट तक का होता है। सिलम टेस्ट टाइम कितना होता है, 2 to 3 मिनट। ठीक है दोस्तों, 2 से 3 मिनट। इस तरीके से आपको पूरा भरने के बाद आपको क्या करना है, इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, 1 से 1.5 मिनट के लिए आपको छोड़ देना है। उसके बाद इसमें जो यहाँ पे जो बोल्ट वगैरह होते हैं, हल्का सा लूज करने के बाद इस कोन को हम घुमाते हैं, ये अपना घूम जाता है। घूमने के बाद फिर हमें ये जो टेस्ट हम ऊपर की तरफ इसको निकालते हैं, तो ऊपर की तरफ हमें बिल्कुल ये स्ट्रेट खींचना है। क्या करना है, स्ट्रेट खींचना। देखिए इसको हमें बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट ले जाना है, यदि आप इसको टेढ़ा करेंगे तो इसका टूटने का डर होता है। ये इधर उधर इसमें रोड में अगर थोड़ा बहुत भी अपना इधर उधर हिलजुल जाए
तो इसका गिरने का खतरा रहता है, इसलिए हम बिल्कुल इसको सिट्रेट निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों, यदि आप इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी फुटिंग में वैल्यू कितनी होती है, कॉलम रोडी में वैल्यू कितनी होती है, स्लैब में वैल्यू कितनी होती है, यदि आपको ये सब चीज़ नहीं पता तो मेरे ही चैनल पर टेक सिविल साइट सिविल इंजीनियर पर आप ऐसे ही वीडियो देख करके अपना नॉलेज ग्रो कर सकते हैं। उस पर मैंने काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप इसमें जो है मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, जब हम स्लैम टेस्ट कर लेते हैं, अगर रोडी हमारी स्लंप जो हमारा बाय चांस फेल हो जाता है, स्लंप क्या होता है हमारा, अगर फेल हो जाता है, समझो आप वाटर की मात्रा ज़्यादा है, वाटर की जो है क्वांटिटी एक्स्ट्रा है, कई बार पानी की मात्रा ज़्यादा होने के कारण हमारा स्लंप जो फेल हो जाता है, तो क्या करना है आपको, उसको कम से कम 10 से 15 मिनट वहीं पर उस रोडे को आपको ट्रांजिस मिक्सर जो TM होता है उसमें उसको राउंड राउंड घुमाना है 10 से 15 मिनट, ताकि उसका पानी हल्का कम हो जाए। एक बार आपको ये जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप कास्टिंग करवाते हैं, और मैं आपको इसके दो तीन मेन पॉइंट और बता देता हूँ रोडी के। जब आप कास्टिंग करवाते हैं दोस्तों, कास्टिंग के समय आपकी जो रोडी है, रोडी का जो टेम्परेचर दोस्तों कितना होता है, 27.5 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। 27.5 to 35 डिग्री के बीच में यदि आप अपने स्लैब की या कॉलम किसी भी चीज़ की कास्टिंग करते हैं तो आपको वहां पे क्रैक आने के चांस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि आपका टेम्परेचर 35 प्लस हो जाता है, 35 डिग्री सेल्सियस यदि आपका टेम्परेचर प्लस है, जैसे गर्मियों के सीज़न में हम कोई स्लैब कास्ट करते हैं तो मोस्टली ज़्यादातर नाइट में होती हैं, यदि आप दिन में करते हो तो आप ऐसे समझ लीजिए ये क्या है, ये आपकी स्लैब है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपकी, ये स्लैब है, ये आपका सूरज है, समझिए दोस्तों। यहाँ से जब इसकी रोशनी जो पड़ती है दोस्तों, ज़्यादा गर्मी के कारण जो इसका ऊपर का जो ये पानी होता है, ऊपर के पानी को इसकी किरणें सोख लेती हैं, समझिए दोस्तों। तो यहाँ क्या बच गया आपका, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ सिर्फ आपके क्रैक पैदा होने चालू हो जाते हैं, फिर मतलब इसमें क्रैक आने चालू हो जाते हैं ज़्यादा टेम्परेचर के कारण। ये हमारा लास्ट जो टेम्परेचर है दोस्तों, ये 37 डिग्री तक हमारा काम चल सकता है, 37 डिग्री तक हम काम कर सकते हैं। कैसे, देखो आपके पास जब रोडी आती है तो उसका जो टेम्परेचर है वो अपना 27.5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो उस रोडे को अभी फ़िलहाल के लिए रोक लो, आधा घंटा पौन घंटे के लिए उसको रोक लो, ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन हो जाए। स्लैब पर जाने के बाद 1-2 डिग्री टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है, 2-3 डिग्री तक बढ़ जाता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये 37 तक अपना चल जाता है। देखिए और मैं बता देता हूँ, आपका जो स्लंप होता है, स्लंप कौन, इसका जो अगर वॉल्यूम आपसे कोई पूछ ले, वॉल्यूम, ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम इसका कितना होता है, 0.054 क्यूबिक मीटर, ये इसका दोस्तों वॉल्यूम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने कुछ मेन पॉइंट थे दोस्तों स्लंप कौन के बारे में। तो बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कॉमेंट शेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि हम सिविल से रिलेटेड ऐसी कोई टेक्निकल वीडियो लाएं तो आपसे मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।